हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामासिस एमबीए यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बात करने वाले 100 यूनिकॉर्न्स के बारे में। ये यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं और किस तरीके से, आप सबको मालूम है कि इंडिया में जो है 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न अभी इंडिया में आ चुका है और बन चुका है। और ये यूनिकॉर्न्स है, स्टार्टअप्स है, कंपनीज है जो कि सोसाइटी को एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है और सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा जो ये कंपनी है, जो स्टार्टअप्स है इंडिया के अंदर, आज जो यूनिकॉर्न बना है जिसका वैल्यूएशन कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ठीक है, तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये कंपनी है, जो 100 से ज़्यादा कंपनी अपने इंडिया के अंदर बन चुका है, उसके लिए सभी लोगों का सपोर्ट रहा है, पूरे गवर्नमेंट्स का सपोर्ट रहा है, और जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ों में। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि एक ट्रेंड बन चुका है कि अभी हर कोई लोग अपना एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट के अंदर आया हुआ है, और हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उन्हें एक अच्छा सा स्टार्टअप करना है, और उन्हें स्टार्टअप करना है और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लोगों के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। तो यही इसका ही एक इम्पैक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी के ऊपर। तो आज जो है 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। और दोस्तों, आप सबको बता दें कि इंडिया अभी जो है थर्ड नंबर पे है, और आफ्टर यूएस, चाइना, उसके बाद जो है इंडिया ही थर्ड नंबर पे है यूनिकॉर्न्स में। आज सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर है, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग आएंगे आपके साथ, और हमारा वीडियो सैटरडे और संडे को आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।